स्वागत है जनसत्ता.com में और हम इस वक्त आ गए हैं नौगावा सादात एरिया में, नौगावा सादात विधानसभा क्षेत्र में। ये विधानसभा क्षेत्र बहुत ही नया है, लगभग 2008 में इसे बनाया गया था। इससे पहले ये अमरोहा विधानसभा में आता था। अमरोहा विधानसभा भी है और अमरोहा लोकसभा सीट भी है। 2012 के जो विधानसभा चुनाव थे वो यहाँ के लिए पहले विधानसभा चुनाव बने और उस चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अशफाक अली खान यहाँ से चुनकर विधायक आए। इस वक्त मैं जस्ट नौगांव सादात की एंट्री पे खड़ा हूँ। यहाँ पे चुनावी मौसम कैसा है, क्या हाल है, उसकी जानकारी मैं आप तक पहुँचाऊंगा। तो सर आप बताइए, समाजवादी सरकार के कार्यकाल से आप संतुष्ट रहे हैं? जो कुछ किया है समाजवादी ने किया है, काफी सड़कें और बिजली तकरीबन 17-18 घंटे लेट जो दी है वो समाजवादी ने दी है, और जी जो सड़कें निर्माण हुई हैं सब समाजवादी ने की। तब की स्थिति में और अब की स्थिति में कितना एक फर्क आया है? जब की स्थिति में और अब की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है, मतलब अलग विधानसभा क्षेत्र बनने से विकास तेज हुआ है। विकास तेज हुआ है, यानी बिजली 4 घंटे आ गई, 6 घंटे आ गई से ज्यादा नहीं आती थी, अब जो है तकरीबन 17-18 घंटे लेट भी आ रही है और रोडों का निर्माण भी बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जैसे क्या स्थिति है यहाँ पे? शिक्षा तो मान लीजिए सरकारी तो कोई ऐसा स्कूल नहीं है, एक मेरे ख्याल से सरकारी एक दो स्कूल है। जान अड़ा देंगे लेकिन जीतेगा अखिलेश ही, चाहे हो जाए कुछ भी। अखिलेश सरकार के कार्यकाल से खुश हैं आप? अखिलेश का कार्यकाल तो दिख रहा है, किसी और ने करा हो तो बताओ। अधिकारी टाइट रहे, काम हुआ, विकास हुआ। अच्छा, जैसे नोटबंदी हुई थी जो है, लाइन की स्थिति अभी क्या है बैंकों में, जो लाइनें लग रही है? लाइन पहले थी ऐसी लाइन, अब है 7 बैंकें हैं। 7 बैंक हैं, सबकी स्थिति बिगड़ी हुई है। बैंकों में ज्यादातर छुट्टी होती है, कह देते हैं कि कैश खत्म हो गया, ये मोदी ने बहुत गलत फैसला लिया था। ये नौगावा सादात का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और देख जानने की कोशिश करते क्या स्थिति है यहाँ पे, कैसा हाल है। देखा जाए तो स्थिति जो है ठीक ठाक लग रही है, साफ सुथरा, या फिर ये नया भी बनाया हुआ है। मैं भी स्वास्थ्य केंद्र मतलब सही है, इलाज सही हो जाता है यहाँ पे, दवाइयाँ सब मिल जाती हैं? हाँ, सही मिल रहा है। मतलब यहाँ की जो सुविधाएं सेवाएं उनसे संतुष्ट हैं आप? हाँ। पिछले साल के जो सरकारी आंकड़ा है सड़क बनाने को लेकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, उसमें उत्तर प्रदेश जो है वो 5वें नंबर पे है, यानी कि 5वें उन राज्यों में है जिन्होंने सड़क बहुत तेजी से बनाई है और अच्छी सड़कें बनाई। लेकिन गलियों का हाल आप देख सकते हैं, आपके सामने कच्ची सड़कें हैं, पानी के बरसात के समय आप देख ही सकते हैं, इस समय कीचड़ हो गई है, हल्की बरसात हुई थी यहाँ पे सुबह, कल हल्की बरसात हुई थी, तो उसका असर देखिए अभी तक है कि कच्ची सड़क जो है यहाँ पे कीचड़ फैल गई, और अगर मूसलाधार बारिश हो जाए तो आप समझ ही सकते हैं कि स्थिति यहाँ के लोगों के लिए कितनी मुश्किल बन सकती है। जनसत्ता.com इस वक्त नौगावा सादात के एक छोटे से गांव में आ गया है, ढक्का इस गांव का नाम है, और यहीं पे ये सरसों की फसल है, उधर ईख है, गन्नों की फसल है। यहाँ जो किसानी कर रहे हैं वो हमें मिल गए हैं, इनसे हम जरा जानने की कोशिश करेंगे कि स्थिति क्या है किसानों के लिए, जो प्रदेश सरकार ने वादे किए हैं उन्हें पूरा किया या नहीं किया, और एक तरह से सरकार से क्या सपोर्ट मिल रहा है। सर आपका नाम? राजपाल जी, मतलब सबसे पहले तो ये कि प्रदेश सरकार जो है, अखिलेश सरकार जो है, उसके कार्यकाल से आप बतौर एक किसान आप संतुष्ट हैं कि जो योजनाएं थी किसानों के लिए उन्हें सही से लागू किया गया नहीं किया गया? जो लागू किया गया मगर मिली तो नहीं, ओलावृष्टि हुई थी पीछे। अच्छा, वो तक का तो आया ही ना। अच्छा, मतलब उसका मुआवजा नहीं मिला। गन्ने का मतलब क्या भाव चलता है? 305-315 है वैसे तो, मगर 9 रुपए क्विंटल की कटौती कट रही है सेंटर पे से। सेंटर पे से मतलब वो क्यों, क्या कह के काट रहे हैं? वो जो है भाड़ा जा रहा है ना उसका, जो क्या यहाँ से वो ले आ रही है ट्रक वगैरह में जाता है। अच्छा, गन्ना मिलों का किसानों के ऊपर काफी सारी रकम बकाया है। हाँ, बकाया। तो आपका भी क्या कुछ ऐसा है या आपको मतलब कैश या पेमेंट? हमारी तो पर्ची नहीं आई आपके। पर्ची क्या होती है मतलब, जैसे थोड़ा समझा सके? मिल से जो पर्ची आती है कट के गन्ने की, गन्ने की पर्ची आती है, तो वो सामान्य में लिख लिया हमारा, अगली खड़ा है अभी, अगली कोई पर्ची नहीं। मतलब क्या ये हुआ कि आपने फसल बेच दी और उसका एक तरह से पेमेंट नहीं हुआ, या वो गिनी नहीं गई? ना, वो गिनी नहीं गई है, जो क्योंकि सामान्य थी ना खेती हमारे पास, अगली गन्ना जो बोया है उसकी कोई पर्ची नहीं आई अभी। सामान्य खेती मतलब ये कि क्वालिटी क्वालिटी को लेके वो कर दिया। रामपाल जी, आप चुनाव आ रहे हैं, 15 तारीख को यहाँ पे वोटिंग है,
आप संतुष्ट लगे हैं क्या जो प्रदेश सरकार ने कार्य किए हैं, और जो भी योजना है पेंशन की योजना हो गई या लैपटॉप बांटने की थी, मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं उन्हें लैपटॉप मिला है, और जो भी योजना थी उनको उनके क्रियान्वयन के ऊपर आप जरा बताएं आपका क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ। हमें लैपटॉप मिला लड़की को। लैपटॉप मिला आपकी लड़की को? अच्छा, आपको परेशानी चमक रही है किसान की, किसान पूरे दिन पूरी रात खेत में रहता मगर फसल का पूरा ऋण भी प्राप्त नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, समस्त कार्यकर्ता, जिन लोगों को चुनाव प्रबंध समिति में रखा गया है, उसके अलावा जो हमारे बूथों के अध्यक्ष हैं, मंडलों के अध्यक्ष हैं, क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, प्लस हमारा तो वोटर भी इस बार मोदी जी के नाम से कार्यकर्ता बना हुआ है, और सब अपने अपने बूथ पर जाके अपने अपने क्षेत्र में जाके कमल खिलाने के लिए भरपूर सहयोग कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का। नौगांव सादात केंद्र पे ही यहाँ समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, ये आप देख सकते हैं सारे कार्यकर्ता जो है वो निकल कर आ रहे हैं इस समय समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रचार करने के लिए जाने के लिए। देखिए अखिलेश जी का जो है काम है, उस काम की नीति पे को देखते हुए जो है हम चाहते हैं कि फिर से जो है यूपी के अंदर समाजवादी की सरकार आए और जो है फुल बहुमत से जो है फिर दोबारा सरकार बने।